तूने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमीन थम गया आसमां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये समय थम गया आसमां जाने मन जाने जा तुमने मुझे चले आओ जहाँ हो कहाँ आज दे तुमको कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ नगमों की जान अहले नजर यूं ही नहीं कहते तेरे गीतों को दिल का हम सफर यूं ही नहीं कहते दुखी थे लाख फिर भी मुतमईन थे दर्द के मारे तेरी आवाज की शबनम से धुल जाते थे गम सारे तेरी तानों में हुस्ने जिंदगी लेता था अंगड़ाई तेरी तानों में हुस्ने जिंदगी लेता था अंगड़ाई तुझे अल्लाह ने बख्शा था अंदाजे मसीहाई तू ही था प्यार का एक साज इस नफरत की दुनिया में अरे गनीमत थी तेरी आवाज इस नफरत की दुनिया में रफी साहब की आवाज ता कयामत हमारे दिलों में महफूज रहेगी महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे जहां की रुत बदल चुकी ना जाने सरल मन के इंसान रफी साहब बहुत सुरीले थे ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज्यादा गाने गाए वो
वो हर तरह के गाने इस खूबी से गाते थे कि गाना ना समझने वाले भी वाह वाह कर उठते थे। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। बहुत अच्छा इंसान थे रफी साहब और बहुत ही बड़ा महान गायक थे रफी साहब। मैं शुरू से ही उनका एक फैन रहा। आई हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड दैट ही वॉज अ बेटर सिंगर देन मी। रोमांटिक सॉन्ग्स हो, कॉमेडी सॉन्ग्स हो, देशभक्ति की गाने हो, चाहे कुछ भी हो, रफ़ी साहब जिस ढंग से गाते थे वो एक मैं ये कहूँगा कि हम सबके लिए एक एग्जाम्पल बन के रह गया। उन दिनों में तो मैं रफ़ी साहब को फॉलो करता था ही, कि उनके थ्रो जो जिस ढंग से वो थ्रो करते थे आवाज़, यानी गाने की जो मॉड्यूलेशन जो वर्ड्स के हिसाब से करते थे, वो मेरे ख्याल से कोई आर्टिस्ट कभी कर नहीं पाया उनके जैसे। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में। बचपन से जिनको मैं अपना उस्ताद मानता था और जिनसे मैंने तालीम ली, उनको तो मैं भूल नहीं सकता। वो हैं रफ़ी साहब, जिनसे मैंने इतनी इंस्पिरेशन और सब कुछ सीखा। एक ऐसी आवाज़ जो हर शख्स की पर्सनैलिटी में ढल जाती थी, वो थी रफ़ी साहब की आवाज़। उनकी आवाज़ में गाई हुई फिल्मी गज़लों ने क्या गज़ब ढाया था। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे प्लेबैक सिंगर्स में यदि सोचा जाए कि बादशाह कौन है, तो एक नाम सामने आता है, मोहम्मद रफी साहब। मोहम्मद रफी साहब के बारे में क्या कहा जाए कुछ समझ ही नहीं आता। लाजवाब फनकार, क्या आवाज, क्या गाने की रेंज और क्या कैरेक्टर को समझ के गाते थे। जब दिलीप कुमार के लिए गा रहे हैं तो लगता है दिलीप कुमार गा रहे हैं, देवानंद साहब के लिए गा रहे हैं तो लग रहा है देव साहब गा रहे हैं, और जब जॉनी वॉकर के लिए गा रहे हैं, जब महमूद के लिए गा रहे हैं तो लगता है उनके लिए गा रहे हैं। कमाल के आर्टिस्ट। और मजे की बात कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, क्या भगवान की देन। इसीलिए कहते हैं कि कलाकार पैदाइशी होता है। मोहम्मद रफी साहब पैदाइशी कलाकार थे। याद न जाए बीते दिनों, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों भुलाए उन्हें, दिल क्यों भुलाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है
चमन में दीदवर पैदा। मन रे तू काहे ना देर धर चली, हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे मेरी आज सुनो प्यार का। अंदाज़